अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साहबज़ादा तनवीर अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी यार 9 बजे हैं। अल्लाह पाक की तमाम नेमतों के साथ शुक्र के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं सुबह 8 बजे अकेडमी आता हूँ गुजरात, तो अभी 9 बजे वहाँ से पढ़ कर निकला हूँ। तो आज उससे पाक की जो है बाकायदा तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पर चल के आपको सब कुछ दिखाते हैं। अभी घर जाऊँगा और फिर वहाँ पर उससे पाक की जो बाकायदा तैयारी होती है आगाज़ शुरू हो गया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यार ब्लॉग एंड तक देखो। जनाब अभी आपका भाई घर पहुंच चुका है, अभी नाश्ता करते हैं और फिर आपको लिए चलते हैं सीधा दरबार शरीफ, जहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं उर्से पाक की। तो आज से बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया गया तैयारियों का, तो आपको सब भाइयों से भी मिलवाते हैं। तो अभी नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं जनाब दरबार शरीफ। अभी जनाब ड्रेस चेंज करते हैं और फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। तो देयर वी गो, फाइनली हमारा ड्रेस चेंज हो गया और अभी नाश्ता करते हैं फिर आपको लिए चलते हैं जनाब दरबार शरीफ पर। तो स्टे ऑन वीडियो। जनाब तो अभी नाश्ता करके तो फिर चलते हैं। अभी जी फाइनली मैं हूँ दरबारे आलिया चकोड़ी शरीफ पर, जहाँ पर उर्से पाक की बाकायदा तैयारियों का जो है वो आगाज़ हो चुका है और लंगर शरीफ के लिए जो पंजाबी जबान कहते हैं कि बालन शालन जो तैयार कर शुरू कर दिता है। बालन पहला पे होंगे जनाब, तो सारी आवाम जी लगी है बहुत ज़्यादा जनाब लाले री उमरे तो गेंद लाला गुलाम मुस्तफा साहब मिस कर रहे हैं, चौधरी इरफान साहब न बाकी दिगर अहबाब जो लांगरी सन और सारा नाल काम करवाते सन बाहर के बरूने मुलक ने उन्होंने मिस कर रहे हैं, और खसूसन चचू असलम साहब न कल 40वां से उन्होंने अल्लाह पाक उन्होंने जन्नतुल फरदौस आलम खाम दा फरमाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही जनाब अस्ताना लिए चकोड़ी शरीफ होंगी रवे दी। और बाकी अभी मैं आपको लिए चलता हूँ हाजी साहब से भी मिलवाता हूँ, सबसे मिलवाता हूँ हाजी जफर साहब से सब की, तो सभी मिलवाते हैं जनाब। एक जनाब साइड से शुरू होकर आपको फिर दिखाते हैं। वाह जी साहब, वाह जी साहब, वाह। ये जनाब हमारे राणा साहब और चचो असलम साहब के साहबजादे। वेखो जनाब लकड़ी के नाल ही जनाब ले जा रहे हैं हाजी साहब, और नेक्स्ट फिर ये जनाब उनको समझाने जा रहे हैं सुपरवाइजर साहब। कोई ना आखियो चाचू जी बच्चे ने समझ जान दे जी साहब। जनाब हाजी साहब साल हो गया तुसी लगे हुए चीरन। चट कौन बिलाल रोले लग रहे चट चिरे ये जनाब बकायदा उर्से पाक की जो तैयारियां वो आज से शुरू हो गई हैं, और फिर देख लिया आप हाजी साहब और शाम साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं जनाब। वाह भाई बिलाल, ओ तुसी वेख रहे हो राणा साहब। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਪੋਲੇ ਪਾ
निकल गया निकल गया। चंगा डाटा पसंद है और पिछली बार एडी कुमुंडी लाले मुस्तफा ही लैके बह गए वो पिछले टाइम तक कोई नहीं चिरी अज तुम बसा लो इन सारी आज दी वीडियो जनाब तुहाडी आ मुंडी दुआले आज दी हाजी साहब सारी वीडियो तुहाडी मुंडी दुआले यूट्यूब दे नाल चलो हाजी साहब आरी मुंडी ली तुसी नहीं जान छड़दे ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं उससे पाकी तैयारी का जो है वो आगाज हो चुका है देख ले और राजी साहब जनाब ये उससे मुंडी ते लगे ने ओ देख सकते तुसी और जानने हाजी साहब को एक्सप्रेशन जानने के कहना चाहो इस मुंडी के बारे हाजी साहब को जनाब अभी पता नहीं कि उसी मुंडी पे अटके हुए हैं या फिर कोई नया काम कर रहे हैं तो चलते हैं और फिर देखते हैं कि उधर ही अटके हुए हैं या फिर कोई किसी नई लकड़ी को काट रहे हैं हाजी साहब ने हीरी चीरी सड़ी है आए राणा साहब विष्णु महाराज विष्णु पांडे ओते ना ना बाबा ओते ना पांडे ओते ना ए मुंडा ठंडा किते की जा जहीर गया है जनाब समोसे लेने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ओ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਨਾਲ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕੋਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਹਨ मेरे साथ जनाब अभी कारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है तो अभी कुछ चाय पानी का इंतजाम हम कर लें फिर आपसे मुलाकात करते हैं लिए चलते हैं जनाब जहीर साहब के रूम में जहां पर जहीर साहब को पूछते हैं कि आज क्या खिदमत कर रहे हैं हमारी तो जहीर साहब सुनाओ कर रहे हैं जनाब वाह सुभान अल्लाह खोलो जी कारी साहब समोसे वाले अपने लंगरी भाइयों वास्ते देर साहब जनाब इंतजाम कर रहे हैं जनाब हमारे देर भाई और साथ कारी साहब है और ये इंतजाम कर लिया है जो हमारे दोस्त लांगरी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो कर रहे हैं तो जहीर साहब की ड्यूटी उर्से पाक पर और बाकी भी इसी जगह होती है किचन में तो ये अपने भाइयों के लिए इंतज़ाम चाय वगैरह कुछ ये इन्होंने किया है तो वो कर रहे हैं तो बाकी यार तरीके चकोड़ी बिलवाल के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के अभी मैं चौधरी नदीम अहमद साहब की जो है उनको मैंने कहा भी था कि अगला जो मेरा व्लॉग आएगा तरीके चकोड़ी बिलवाल का वो नवे लोग पर होगा यानी कि नई चकोड़ी जो साथ छोटा सा गाँव है लेकिन हो सकता है मे बी के उससे पाक आ रहे हैं दोनों तो इनको कवर पहले किया जाए लेकिन कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उस पर बाकी आप हमारे साथ रहिए और व्लॉग के एंड तक भी जनाब साहब अहबाब ने जुमा पढ़ा और लंगर शरीफ खा रहे हैं तो ये सारा तकरीबन अभी ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा रहता है तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म करके व्लॉग के अख्ताम करते हैं
ये लंगर शरीफ का और उर्से शरीफ का जो है बाकायदा आज से आगाज़ हो चुका है। जब हमारे इधर एक रवायत है कि जब लकड़ी कटनी शुरू हो जाए तो फिर उर्से पाक का आगाज़ हो जाता है। ठीक एक महीना बाद 15 मार्च को इंशाल्लाह उर्से पाक मुनक्कद किया जाएगा, तो आप सब लोग उसे शिरकत की अपील है। और बाकी फिर व्लॉग वगैरह में आप देखते रहेंगे, जैसे जैसे तैयारियाँ होती जाएंगी आप देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये सारा जो है ये वो पीछे भी पड़ा हुआ है, ये जो ढेर लगे हुए हैं ये सारा काट दिया गया है। तो अभी व्लॉग का अख्ताम करते हैं, 3:30 हो गए और फिर वीडियो एडिटिंग भी होनी है और फिर अपलोड भी शाम को करनी है। तो इजाज़त आप लोगों से, अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए और आप सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।